नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 1 मार्च को महाशिवरात्रि, 3 राशियों का सपना होगा पूरा। दोस्तों, महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का महापर्व है। दोस्तों, हमारे पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को ये महापर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को की जाएगी, क्योंकि इस बार की महाशिवरात्रि 1 मार्च को पड़ रही है। दोस्तों, साल 2022 में महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 के दिन मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, इस बार साल 2022 की महाशिवरात्रि खास सहयोगों के साथ आ रही है। 1 मार्च को इस महाशिवरात्रि पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में परिधि योग महाशिवरात्रि पर लगेगा। इस दिन शिव जी की पूजा करने से विशेष सफलता की प्राप्ति होती है और इस दिन पंचग्रही योग भी बन रहा है। ये भी कई राशियों के लिए बड़ा शुभ प्रभाव लेकर आने वाला है। दोस्तों, पंचग्रही योग जैसे कि इस दिन चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि की युति बन रही है। जी हाँ, साथ ही मंगल भी बैठे रहेंगे और एक ही राशि में 5 ग्रहों के बैठने से पंचग्रही का योग का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ यह महाशिवरात्रि रहने वाली है। साथ ही साथ बता दें कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा कुछ विशेष राशियों पर बनने वाली है, जिसके कारण इन राशियों का सपना होगा पूरा। दोस्तों, बता दें कि निशीथ काल में पूजा करना काफी शुभ माना जाता है और 4 पहर की पूजा करना महाशिवरात्रि के दिन काफी शुभ माना जाता है। 4 पहर की पूजा यानी कि शाम 6 बजे से 9 बजे, रात्रि 9 बजे से रात्रि 12 बजे और रात्रि 12 बजे से 3 बजे और 3 बजे से सुबह 6 बजे तक आप 4 पहर में पूजा भगवान भोलेनाथ की जरूर करें और उनके मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। इस बार की महाशिवरात्रि पर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 1 मार्च को सुबह 3:16 पे और समाप्त होगी 2 मार्च को रात्रि 1 बजे। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि पर कई सारे दुर्लभ राजयोग और धनयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है और भी कई सारे दुर्लभ योग बनने से इस बार की महाशिवरात्रि काफी शुभ मानी गई है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को समर्पित होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती काफी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। जो भी भक्त पूरे नियम से और श्रद्धा से इनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करते हैं। इस दिन भगवान शिव जी का अभिषेक करें कच्चे दूध से और स्वच्छ जल से और आप इस दिन उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, चावल मिश्री चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, विशेषकर इस दिन भांग चढ़ाएं। महादेव के शिवलिंग पर अगर आप इन चीज़ों को चढ़ाते हैं और स्वच्छ जल से, दूध से अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट महादेव स्वतः ही दूर करते हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस बार की महाशिवरात्रि 1 मार्च को मंगलवार के दिन पड़ रही है और कई सारे दुर्लभ राजयोग लेकर आई है, जिसके चलते भगवान भोलेनाथ की कृपा कुछ विशेष राशियों पर पड़ने जा रही है। खासकर 3 राशियां ऐसी हैं जिनका सपना पूरा करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। इन राशियों की किस्मत अब भगवान भोलेनाथ चमकाने वाले हैं। जी हाँ, 1 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से 3 राशियों का सपना होगा पूरा, क्योंकि इस दिन कई सारे योग और राजयोग और धनयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते इस दिन भगवान भोलेनाथ बाबा और माता पार्वती काफी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और इनकी अपार कृपा दृष्टि इन 3 राशियों पर पड़ने वाली है। जी हाँ, इन 3 राशियों का अब सपना होगा पूरा। तो आखिर ये भाग्यशाली राशियां कौन सी है, आज हम इस वीडियो में इन्हीं भाग्यशाली राशियों के बारे में बताएंगे जिनके सपना पूरे करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि सबसे पहले और खुशनसीब जो राशि आती है वो है मेष राशि। जी हाँ, मेष राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि अब भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से महाशिवरात्रि के दिन कई सारे सुनहरे मौके मिलेंगे। जीवन में चल रही परेशानियां अब भगवान भोलेनाथ अब आपकी दूर करने वाले हैं। अनेक जगहों से आपको धन का लाभ होगा। रुके हुए तमाम पेंडिंग कामों में सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। धन से मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता।
करोड़पति बनने के कई सारे सुनहरे मौके मिलेंगे। घर की इच्छाएं थी तो नए घर की शुरुआत करेंगे, गाड़ी वाहन की इच्छाएं थी तो वो भी पूरी करेंगे। यानी जो भी सपना था वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी पूरी करने वाली हैं। बता दें कि आपको अनेक जगहों से आपका रुका व फंसा धन भी प्राप्त होगा, लॉटरी सट्टा से मुक्ति लॉटरी सट्टा में लाभ होगा, साथ ही ऋण कर्जों से मुक्ति मिलेगी। अनेक जगहों से आपको धन लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप जो भी जिन योजनाओं पर काम करेंगे उसमें आपको सफलता अधिक से अधिक मिलेगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफी सराहनीय होंगे। जो भी निर्णय लेंगे भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको उपलब्धियां प्राप्त होंगी। अब अगली यानी जो दूसरी जो राशि है जिनके सपने पूरे होने वाले हैं वो है कन्या राशि। कन्या राशि के आपको बता दें कि इस बार के महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अब आपका सपना पूरा होने वाला है। 1 मार्च को इस बार साल 2022 की महाशिवरात्रि पड़ रही है और इस दिन कई सारे दुर्लभ राजयोग और धनयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी। कन्या राशि के आपको महादेव की कृपा और माता पार्वती कृपा से अब आपको धन से मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। बता दें कि इसमें आपका वैवाहिक जीवन काफी सुखमय रहेगा और अगर आप अविवाहित हैं और इच्छाएं थी आपके सपने थे एक अच्छे जीवन साथी की तो वो अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से जल्दी ही आपको मिलने वाले हैं। नए रिश्ते आएंगे, नए रिश्ते से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और शादी विवाह की चर्चाएं होंगी। साथ ही जो यानी लव लाइफ में जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता और मजबूती देखने को मिलेगी। संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, संतान की सपने पूरे होंगे, संतान की इच्छाएं पूरी होंगी। जो भी आप मन में ख्वाहिश लिए थे वो सभी ख्वाहिश अब भगवान भोलेनाथ आपकी पूरी करने वाले हैं। बता दें दोस्तों कि कई सारे दुर्लभ राजयोग के साथ आया है इस बार की महाशिवरात्रि, जिसके कारण आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाली है। बता दें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और भाग्य आपका सातवें आसमान पर रहेगा। अनेक जगहों से धन का लाभ होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। अनेक जगहों से धन का लाभ होगा, जिन योजनाओं पर आप काम कर रहे हैं उन योजनाओं पर खरा उतरेंगे। वाणी पर मिठास आएगी, मीठी वाणी और तहजीब बोलकर आप लोगों को प्रभावित करते नजर आएंगे। बता दें कि इसमें आप अपने घर परिवार के लिए सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। अनेक जगहों से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी में प्रतिष्ठा एवं प्रमोशन को लेकर जो चिंताएं थी वो दूर होंगी और एक बेहतर अच्छी नौकरी लगेगी। जो सपने आप देख रहे थे सरकारी क्षेत्र में उसमें आपको कामयाबी प्राप्त होगी। बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। अब अगली यानी जो तीसरी जो राशि है वो है मिथुन राशि। जी हाँ, मिथुन राशि के आपको अब आपके सपने पूरे होने वाले हैं। यानी कहा जाए तो आपको अनेक जगहों से बड़ा धन लाभ होगा। विशेषकर जो भी इच्छाएं थी, जो भी मनोकामनाएं थी भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब वो दूर होने वाली है। बता दें कि इसमें विदेश की यात्राएं करेंगे, विदेशी कंपनी से लाभ होगा। विदेश में अगर कोई काम चल रहा है तो उसमें आपको दुगुना धन लाभ होगा। वहां पर बिजनेस, व्यापार, नौकरी में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। प्रेम संबंध में मजबूती और प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। धन संपत्ति ऐश्वर्य में वृद्धि करते नजर आएंगे। गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। अनेक जगहों से बड़ा धन लाभ होगा। जो काफी समय से परेशानियां चल रही थी उन सभी परेशानियों का अब अंत होगा। अनेक जगहों से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी भगवान भोलेनाथ की कृपा और माता पार्वती कृपा से। विशेषकर कहा जाए तो अनेक जगहों से आपको बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। जो कार्य क्षेत्र में आपको यानी कि परेशानी आ रही थी अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो दूर होगी। बता दें कि कष्टों से मुक्ति मिलेगी और इसमें आप अनेक जगहों से धन का लाभ होगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक से लोन वगैरह मंजूर होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और वित्तीय मामलों में सुधार होगा। पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करते हैं तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा भगवान भोलेनाथ की कृपा से। अब आपको अनेक जगहों से धन का लाभ होगा। आपकी जो च्वाइस थी या ख्वाहिश थी वो भगवान भोलेनाथ पूरी करने वाले हैं। बता दें कि इन तीन राशियों का सपना अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से यानी कि विशेषकर बड़े ही सपने पूरे होने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन तीन राशियों का सपना होगा पूरा। धन संपत्ति ऐश्वर्य में वृद्धि करते नजर आएंगे। रुका व फंसा धन प्राप्त होगा। साझेदारी में बिजनेस व्यापार करते हैं तो दुगुना धन लाभ होगा भगवान की कृपा से। अब इन तीन राशियों को अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। तो दोस्तों कमेंट में लिखेगा हर हर महादेव। साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।